ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के साथ गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी के बीच बिहार के सत्ताधारी जेडीयू ने भी अपना दांव चल दिया है। नीतीश कुमार ने गोवा में अपने दम पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया। इसके लिए पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। जेडीयू ने अपने वरिष्ठ नेताओं की 2 सदस्यीय टीम को गोवा की राजधानी पणजी भेजा ताकि यह तय किया जा सके कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़े और इसके लिए अपने संभावित उम्मीदवारों का चयन भी कर ले। जेडीयू के 2 राष्ट्रीय महासचिव वफाक अहमद खान और हर्षवर्धन सिंह ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए रविवार को पार्टी की राज्य इकाई और अन्य क्षेत्रीय दलों के संभावित उम्मीदवारों के साथ बातचीत की। कोरोना संक्रमण की धमक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना से संक्रमितों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना ने नगर निगम कार्यालय में अपनी दस्तक दे दी है। इसमें मेयर समेत आधा दर्जन निगम कर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया। महापौर राकेश कुमार ने अपने कोरोना संक्रमित होने की खबर ट्वीट की और संपर्क में आने वाले सभी से जांच करा लेने की बात कही है, जिसके बाद आनन फानन में निगम कार्यालय के सभी विभागों को सैनिटाइज किया गया। लेकिन कोरोना का तीसरा लहर में 2-3 स्टाफ हमारे संक्रमित हो गए हैं और लोग भयावह स्थिति में है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का सैनिटाइजर तो पूरा शहर में ही करवा रहे हैं, नगर निगम भी 2 टाइम करवा रहे हैं और लोग कर्मचारी भयभीत हैं। सब लोगों से हम अनुरोध किया है जो आप लोग एकदम दूरी बना के मास्क पहन के आइए और आम पब्लिक से भी अनुरोध है जो विशेष कार्य है तभी यहाँ आवे और दूरी बना करके और मास्क लगा के ही आवे, अन्यथा घर में ही रहें और ये अपनी जान की सुरक्षा की व्यवस्था करें। और नगर निगम द्वारा हम लोग पूरी व्यवस्था हर मोड़ पर करने के लिए तैयार हैं। मधुबनी जिले में पिछले कुछ दिनों में नाइट कर्फ्यू के दौरान चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। चोर एटीएम, बैंक और दुकानों को निशाना बना रहे हैं। इसी दौरान सोमवार को देर रात चोरों ने रहिका चौक के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को निशाना बनाया। चोर छत के रास्ते गेट काटकर बैंक में घुस गए। इसके बाद उनकी मंशा दीवार को काटने की थी, लेकिन आवाज से स्थानीय लोग जाग गए और उन्होंने चोरों को खदेड़ना शुरू कर दिया। भीड़ के डर से भाग रहे चोरों ने इस दौरान फायरिंग की, लेकिन गांव वाले पीछे नहीं हटे। इस तरह से ग्रामीणों की वजह से बैंक लूटने से बच गया। 6 अपराधी डकैती के मार्फत आए थे। सीढ़ी जो है, सीढ़ी का व्यवस्था पेट्रोल पंप से किए थे। पेट्रोल पंप से सीढ़ी लाए और दीवार पे लगा के छत के रास्ते नीचे आए। छत के रास्ते नीचे आए और दरवाज़ा नहीं खुला ताला से, तो दरवाज़ा को उखाड़ दिए दीवार तोड़ के और एक दरवाजा रह गया, जिसके वजह से माल की क्षति नहीं हुई। भागलपुर के रास्ते धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन के खिलाफ इन दिनों पुलिस सख्त हो गई है। इसे हर हाल में रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार की रात मंगलवार की सुबह डीएसपी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में अवैध खनन के विरुद्ध जगदीशपुर थाना क्षेत्र, सबौर थाना क्षेत्र और लोदीपुर थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इसी दौरान डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार ने अवैध रूप से बालू लदे 12 ट्रैक्टर और एक हाईवा को जब्त किया है। देखिए, वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार आज इलीगल माइनिंग के तहत बहुत सारा छापेमारी किया गया। जगदीशपुर में छापेमारी की गई, सलेमपुर में, और उसके बाद फिर लोदीपुर में, वहाँ पे 6 ट्रैक्टर जो है उसके ऊपर कार्रवाई होगा। पटना के विक्रम थाने के वजीरपुर मोड़ पर पुलिस ने शराब की बड़ी खेप की तस्करी को नाकाम कर दिया। बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए में आकी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक मध्य निषेध विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि NH 139 के रास्ते एक यूपी की ट्रक से भारी मात्रा में शराब पटना की ओर ले जाई जा रही है। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में NH पर कई जगहों पर नाकेबंदी कर दी गई। पूरा दिन बीत गया पर ट्रक उस रास्ते से नहीं गुजरा। आखिर में जब थकी मांदी पुलिस की टीम लौटना चाह रही थी, यूपी नंबर का एक ट्रक आता दिखा। ट्रक को देखते ही पुलिस ने रोक लिया। चालक से पूछताछ के दौरान पता चला कि ट्रक में शराब लदी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।